प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ वाराणसी में घेरने के लिए महागठबंधन ने बड़ा मास्टर स्कॉट चलाया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वाराणसी में उम्मीदवार शालिनी यादव को हटाकर बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव को मैदान में उतार दिया है। तेज बहादुर यादव ने पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तेज बहादुर यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। वे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी ने भी तेज बहादुर यादव का समर्थन कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर तेज बहादुर यादव को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए तेज बहादुर को सलाम। आपको बता दें कि 2017 में बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने जवानों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत की थी, तभी से वे चर्चा में आए थे। हालांकि उस वीडियो में विवाद के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, तभी से वे केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। बीते दिनों ही तेज बहादुर यादव ने ऐलान किया था कि वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने तब कहा था कि उन्होंने भ्रष्टाचार मामले पर उठाया, लेकिन बर्खास्त कर दिया गया। उनका उद्देश्य सुरक्षा बलों को मजबूत करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। साफ है कि एक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दों पर इस लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, तो वहीं महागठबंधन अब उनके सामने एक पूर्व सैनिक को ही मैदान में उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि क्या कांग्रेस तेज बहादुर यादव का समर्थन करेगी, अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में सपा बसपा आप की तरफ से बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव, कांग्रेस की ओर से अजय राय, पूर्व जस्टिस एस कर्नल तमिलनाडु के कई किसान जवान चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।